हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू की फ्राइड सब्जी। तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, बड़ों को भी अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों की तो फेवरेट ही होती है। चलिए शुरू करते हैं। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। उसमें डालेंगे कढ़ाई में सरसों का तेल, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, इनको मोटा मोटा काट लेंगे। और 2 टमाटर, वो भी मोटे मोटे काट लेंगे। इधर मैंने आलू लिए हुए, आलू लिए हैं 5, उनको छील लेते हैं। 2 हरी मिर्च ली हैं, इनको बारीक बारीक काट लेते हैं। गैस तेल गर्म हो गया है हमारा, देख लेंगे इसको तेल गर्म हाथ से। अब इसमें डालेंगे हींग, 1 चुटकी हींग, जीरा, राई, और इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और अच्छे से चला लेंगे। ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। देखिए ब्राउन हो चुका है। अब डालेंगे इसमें टमाटर, टमाटर को अच्छे से चला लेंगे। अब डालेंगे इसमें मसाले, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसको अच्छे से चला लेंगे। गाजर को ढककर पकाएंगे। अब डालेंगे इसमें हरी मिर्ची, अच्छे से चलाते जाएंगे इसको। इसको थोड़ा मैश कर लेंगे। इसको ढककर थोड़ा और पकाएंगे। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब डालेंगे इसमें उबले हुए आलू और अच्छी तरह से मिला लेंगे इन सबको मसाले के अंदर। अच्छी तरह चलाते हुए उसको थोड़ी देर ढकेंगे, ढक करके थोड़ा पकाएंगे इसको। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला। अब डालें इसमें पिसी हुई सौंफ, कसूरी मेथी थोड़ी सी, अच्छी तरह रगड़ करके हाथ से डाल दें। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस। और हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे। इसको बॉल में निकाल लेंगे, थोड़े से धनिया से इसको सजाएंगे और अपने बच्चों को खिलाइए और आप भी खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।